नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि और प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, अभी मैं जा रही हूँ शाम को ही पूजा करने। मैं शाम को ही प्रदोष का पूजा करती हूँ, तो आज प्रदोष था तो मैंने सोचा कि शाम को ही चलूंगी, शाम को ही पूजा करने। और ये देखिए, मेरा तबीयत ना खराब था तो थोड़ा अब वो हो रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है ना जैसे मैं बीमार थी बहुत, तो अभी भी लग रहा है आँखों से। और सर्दी भी हो गई, इसलिए और थोड़ा परेशानी हो गई। और प्रदोष व्रत की और शिवरात्रि की पूजा शाम को प्रदोष काल में ही किया जाता है, क्योंकि अपने शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि शाम को ही प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का पूजा शाम को ही करना चाहिए। तो मैं शाम को ही जाती हूँ प्रदोष का पूजा करने, तो मैं इसलिए शाम को ही जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि कल से मेरी तबीयत थोड़ा आज ठीक है, तो मैं शाम को ही जा, सुबह नहीं गई थी, सुबह ऐसे घर पे ही पूजा कर ली थी मैं, और शाम को अब जा रही हूँ पूजा करने। तो आइए चलती हूँ वहाँ। और आज वहाँ ना भंडारा हो रहा है, सब वहाँ प्रसाद बंटता है, और शंकर जी की छोटी सी ही मंदिर है। चलिए आप लोगों को वहाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना पूरा पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया है, धूप दीप और चंदन, और ये कच्चा दूध मैंने रखा था, और ये सिंघाड़ा का हलवा है, और बैर है, भांग है, बेलपत्र है। फूल नहीं मिल पाया था, तो फूल बस यही थोड़ा सा है, धतूर एक मदार का है, धतूर का नहीं। और शहद सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है, और जो मेरे पास फल था वो भी है, सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए अब चलती हूँ मंदिर, तो वहीं आप लोग। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ और मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। और इधर अंधेरा भी हो गया है, रास्ते में हम लोग पहुँचते पहुँचते ना अंधेरा हो गया था, क्योंकि रूम से ही निकलने में थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर अंधेरा हो गया है। और सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, क्योंकि आज यहाँ भंडारा हो रहा है और डीजे भी जैसा बज रहा है, तो अंधेरा हो गया, दिख भी नहीं रहा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, मिनी भी आई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा पूजा पाठ हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और आइए आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का क्या नज़ारा है। और यहाँ इतना तेज़ डीजे बज रहा है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और ये जो सामने पंडाल दिख रहा है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है और यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।